है और जैसा कि बताने की जरूरत नहीं है, दधीची ऋषि परम शिव भक्त थे। इस टाइम मैं दधीच स्थली पे खड़ा हूँ। यहाँ पे दधीच ने अपना अस्थि दान किया, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। हाँ, ये दधीच स्थली है जहाँ पे दधीच ने अपना अस्थि दान किया है। ये अस्थि दान दधीच ने किया जब इंद्र ने से प्रश्न किया है कि आप अपना शरीर दे दो देवताओं के हित के लिए। तब इन्होंने इंद्र से प्रार्थना किया विष्णु भगवान से कि मैं शरीर देने को तैयार हूँ, पर मैं 3.5 करोड़ जो देवता मृत्यु लोक आकाश लोक पाताल लोक में उनके दर्शन करूँगा, फिर अपना शरीर दान दूंगा। फिर विष्णु भगवान ने वो 3.5 करोड़ देवताओं को आह्वान किया, यहाँ पर बुलवाया, सारी नदियों को जल लेके यहाँ पे आए, सारे तीर्थों का जल यहाँ। फिर फागुन पूर्णिमा को उन्होंने उसी जल से स्नान किया। फिर उन्हीं के नाम से ये दधीच कुंड यहीं पे बना है, दधीच जी के पासे में बना है ये दधीच कुंड। फिर उन्होंने फागुन पूर्णिमा को यहाँ पे अपना शरीर गवों को चटवा दिया। अस्थियाँ जो बची हो देवताओं के हित के लिए, उसे 4 अस्त्र बने। प्रथम गांडीव अस्त्र बना जो अग्निदेव को प्रदान किया गया। अग्निदेव ने महाभारत में अर्जुन के पास जो अस्त्र नहीं था तो उन्होंने अर्जुन को दे दिया। दूसरा बना पिनाक, पिनाक मिला शंकर जी को, शंकर जी ने माँ दुर्गा को दिया सुम निशुम का वध करने के लिए। उसके बाद पिनाक शंकर जी ने वापस लेके ले लिया। फिर जनक को दे दिया, वो जनकपुर में सीता स्वयंवर में रामचंद्र ने वही धनुष था जो दधीच की हड्डियों को वो तोड़ा गया। तीसरा बना वज्र जो इंद्र के पास है मिलना था, हाँ चतुर्थ वज्र है। तीसरा जो सारंग है वो विष्णु के पास संसार के रक्षा के लिए है, वो भी यहीं पे रखा है अभी। चतुर्थ अस्त्र जो बना वो वज्र बना, वो इंद्र के पास है जिससे वृत्तासुर को वध हुआ था, वो भी यहाँ दधीच आश्रम पे मौजूद रखा है। हाँ, गांडीव पिनाक सारंग वज्र 4 अस्त्र बने थे, 4 यहाँ रखे हैं। फिर दधीच की आत्मा जो निकली वो विष्णु ने अपने में मिला दिया।